दोस्तों की हाल है आप सबका। मेरा नाम है कौस्तुभ सरकार और आप देख रहे हैं कबड्डी गुरु, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल कबड्डी अपडेट्स। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उन सात रेडरों के बारे में जो कि वीवो प्रो कबड्डी 2018 के ऑक्शन में सबसे ज्यादा पैसों से बिक सकते हैं। तो चलिए खेलते हैं कबड्डी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जरूर कबड्डी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं मैंने वन डे आगो, टू डे आगो यानी कि थ्री डे आगो हर रोज वीडियोस डाले हैं। इसका मतलब यह है कि आपको हर रोज कबड्डी के अपडेट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों क्यों ना कबड्डी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ही कर लिया जाए और प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों सात से लेकर एक तक हर एक रेडर के नाम कहते हैं और उनको ज्यादा पैसे देके खरीदने के पीछे जो भी कारण है वो सभी हम अभी डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों मेरे अनुसार सातवें पायदान पे आते हैं दीपक नरवाल। उनको ज्यादा पैसे देके खरीदने के पीछे कुल मैंने चार रीजन बताए हैं। तो रीजन नंबर वन, उन्होंने बंगाल वॉरियर्स में उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा खेल दिखाया था। जैसे कि मान लो अगर पहले पहले मैचेस देखोगे तो दीपक नरवाल को खिलाया नहीं गया था, लेकिन बाद में जब उनको खिलाया गया तो उन्होंने बहुत ही अच्छा खेल दिखाया और टीम में अपनी जगह बना ली थी। अब दोस्तों रीजन नंबर दो, भले ही पॉइंट्स के मामले में उनके पॉइंट्स बहुत ही कम थे क्वांटिटी के मामले में, लेकिन जितने भी उन्होंने पॉइंट्स लाए थे हर एक पॉइंट टीम को जिताने के तरफ बहुत ही ज्यादा योगदान था। दोस्तों उन्होंने टीम को जिताने के तरफ बहुत ही अच्छे क्रूशियल टाइम पे पॉइंट्स लिए थे। रीजन नंबर थ्री, दोस्तों जैम कुंडली जैसे बड़े से बड़े प्लेयर को ओवरशैडो कर गए थे दीपक नरवाल। मतलब जैम कुंडली जैसे इतने बड़े प्लेयर के रहते हुए भी दीपक नरवाल चले थे बल्कि जैम कुंडली नहीं। फिर दोस्तों रीजन नंबर फोर है कि बंगाल वॉरियर्स ने मनिंदर सिंह को रिटेन किया है। अब बंगाल वॉरियर्स ऑक्शन में जरूर चाहेगी कि दीपक नरवाल को खरीदे, क्योंकि मनिंदर के साथ दीपक नरवाल का जो कोऑर्डिनेशन है, उन दोनों का जो पार्टनरशिप है वो बहुत ही अच्छा था सीजन फाइव में। दोस्तों तो ऐसा हो ही सकता है कि बंगाल वॉरियर्स दीपक नरवाल को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसे बहा दे। दोस्तों अब हम उनके सीजन 5 के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेंगे। उन्होंने कुल 16 मैचेस खेले हैं, टोटल रेड पॉइंट्स है उनके 85, टोटल रेड्स उन्होंने किए हैं 187, सक्सेसफुल रेड्स रहे हैं 71, अनसक्सेसफुल रेड्स रहे हैं 42 और एम्प्टी रेड्स उन्होंने किए हैं 74। हाँ दोस्तों नितिन नवर एक ऑलराउंडर प्लेयर है, लेकिन इस साल उनको रेडर लिस्ट में शामिल किया गया है, उसके पीछे का कारण तो नहीं पता। तो इनको इस लिस्ट में शामिल करने के पीछे तीन रीजंस मैंने बताए हैं। तो रीजन नंबर वन है दोस्तों कि इनमें मैच जिताने की क्षमता है, चाहे किसी भी मोड़ पे गेम हो, किसी भी मोड़ पे मैच हो, वो वहाँ से मैच को जिता सकते हैं। फिर दोस्तों रीजन नंबर टू है, एक कंसिस्टेंसी से खेलते हैं। मान लो कोई टीम किसी प्लेयर को बहुत ज़्यादा पैसों से खरीदता है, लेकिन वो प्लेयर क्या होता है, दो मैचेस चलते हैं तो चार मैचेस एकदम ठप रहता है, लेकिन नितिन तोमर ऐसा प्लेयर नहीं है। वो लगभग हर मैच में एक अच्छे स्तर पे खेलता है, मतलब ठीक ठाक खेलता है हर एक मैच में, तो बहुत ज़्यादा खराब को किसी भी मैच पे नहीं खेलता है दोस्तों। तो उसे तो ज़्यादा पैसे दे के लेना लाजमी है। रीजन नंबर तीन है दोस्तों, पिछली बार नितिन तोमर को 93 लाख यानी कि सबसे ज्यादा पैसे देके खरीदा गया था और इस डिसीजन पे नितिन तोमर ने मतलब आशाओं में उम्मीदों में खड़े उतरे थे नितिन तोमर बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये भी एक कारण है कि वो उम्मीदों पे खड़े उतरना जानते हैं, तो उनको सीजन 6 में भी ऐसा हो सकता है कि सबसे ज्यादा पैसे देके लिया जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम उनके सीजन 5 के परफॉर्मेंस पे थोड़ी नजर घुमा ले। उन्होंने सीजन 5 में मैचेस खेले थे 20, उनके टोटल रेड पॉइंट्स थे 167, उनको टोटल रेड्स मिले थे 327, उन्होंने टोटल रेड्स किए थे, उनके सक्सेसफुल रेड्स है 135, अनसक्सेसफुल रेड्स है 45, बहुत ही कम दोस्तों, एम्प्टी रेड्स थे 147। अब हम बात कर लेंगे अनूप कुमार की। तो दोस्तों अनूप कुमार को सबसे ज्यादा पैसे देके खरीदने के पीछे मैंने कुल चार रीजंस बताए हैं। तो वो चार रीजंस में से पहला रीजन है कि वो सीजन 1 के बाद पहली बार ऑक्शन में आए हैं,
तो समझ ही सकते हैं कितने भूखे होंगे सभी सभी ऑक्शन में जो सभी ओनर्स होंगे कितने ज़्यादा भूखे होंगे। पहली बार वो ऑक्शन में है सीजन वन के बाद। फिर दोस्तों रीज़न नंबर दो है कि उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो किसी भी खिलाड़ी के पास नहीं है और टीम को चला सकते हैं बहुत ही अच्छे तरह से। ये मुझे शायद आप सभी को समझाना ना पड़े। रीज़न नंबर तीन है दोस्तों ये है तो टीम में जान है। आखिर कैप्टन कुल के नाम से जाने जाते हैं अनूप कुमार। कैप्टनसी किसे कहते हैं अगर आपको जानना है तो अनूप कुमार के साथ कुछ समय बिताइए आपको पता चल जाएगा। अनूप कुमार को कप्तानी बखूबी आती है और ऐसे काबिल कप्तान हर एक टीम चाहेगी अपने मतलब टीम के लिए। फिर दोस्तों चौथा रीज़न है कि भले ही इनको टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया हो लेकिन ये कभी भी टीम इंडिया में फिर से एंट्र करते हैं। तो दोस्तों ये एक लेजेंड है हम सभी को बताया इनके पास जो शातिर दिमाग है ये अकेले ही पूरे हाफ टीम के बराबर है क्योंकि किसी भी मोड़ से ये मैच को ऐसा घुमा देते हैं कि पूरे ऑपोजिट टीम के पूरे मेंबर को ये पता ही नहीं चलता कि अनूप कुमार जी ने क्या खेल खेल दिया। तो उनके पास जो शातिर दिमाग है तो कभी कभार तो कोच से भी ये बढ़कर हो जाते हैं अपने टीम के लिए दोस्तों। तो ये चौथा रीज़न एक बहुत ही ज़्यादा वैलिड रीज़न है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेंगे उनके सीजन 5 के परफॉर्मेंस के बारे में। तो उन्होंने कुल मैचेस खेले थे 21, उन्होंने कुल रेट्स किए थे 281, कुल उनके रेट पॉइंट्स है 112 यानी कि 112, उनके सक्सेसफुल रेट्स रहे हैं 84, 84, अनसक्सेसफुल रेट्स रहे हैं 44 यानी कि 44 और एम्प्टी रेट्स रहे हैं 153। दोस्तों विकास खंडेला के लिए मैंने सिर्फ दो रीजंस बताए, ये दो रीजंस बहुत ही सॉलिड और बहुत ही स्ट्रांग है। दोस्तों रीजन नंबर वन है कि यंग प्लेयरों में से सिर्फ तो नहीं बोलूँगा लेकिन सचिन और विकास खंडेला यही दो प्लेयर है जिन्होंने हर एक टीम ऑनर को हर एक टीम के कोचेस को सबसे ज़्यादा प्रभावित यानी कि इम्प्रेस किया है। जबकि सचिन ऑक्शन में नहीं है तो सबकी नज़र विकास खंडेला के और ही रहेगी। दोस्तों रीज़न नंबर टू है कि बीच में चोटिल हो जाने के कारण उनको बहुत से मैचेस भले ही नहीं खेलने को मिले, भले ही उन्होंने कम मैचेस खेले हो लेकिन जितने भी मैचेस खेले हैं लोगों के दिल पे मतलब छाप छोड़ गए हैं। बहुत अच्छे तरीके से उन सभी मैचों में उन्होंने प्रदर्शन किया है, बहुत ही अच्छे अच्छे रेड पॉइंट्स यानी कि मल्टीपल रेड पॉइंट्स लाए हैं उन्होंने छोटे कद के होते हुए भी, और बहुत ही उम्दा टाइप के रेडर है, हर एक स्किल उनके पास है। दोस्तों अब हम उनके सीजन 5 के करियर ग्राफ के बारे में बात कर लेंगे कि उन्होंने 9 मैचेस खेले थे, 136 टोटल रेट्स किए हैं, 58 रेट पॉइंट्स हैं उनके, सक्सेसफुल रेट्स 44, अनसक्सेसफुल रेट्स 29 और एम्प्टी रेट्स उन्होंने किए हैं 63। अब हम बात कर लेंगे रिशंग देवारी का की, तो इसके लिए मैंने 3 कारण बताए हैं दोस्तों। तो रीजन नंबर 1 है पिछले साल क्या धमाल मचा दिया था इन्होंने, सभी को याद है 30 रेड वाली वो बात। तो दोस्तों पिछले साल पर कबड्डी में बहुत ही ज़्यादा धमाल मचा दिया था रिशंग देवाड़िका ने, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था उनका और 30 रेड पॉइंट वाली तो बात सभी को याद होगी ही। दोस्तों अब हम बात कर लेंगे रीजन नंबर 2 की, तो बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर है वो, इनके फुटवर्क मतलब इनका जो फुटवर्क है वो भापना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। कब कहाँ कैसे क्या कर देते हैं, कब हैंड टच करेंगे, कब टोटल जब बैक किक कर देंगे, ये प्रेडिक्ट कर पाना या भापना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। अब दोस्तों रीजन नंबर 3 है कि 65th सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में इन्होंने महाराष्ट्र टीम की कैप्टेंसी की थी और फिर से एक लंबे समय के बाद उन्होंने महाराष्ट्र को 65th सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप की जो टाइटल है वो जितवाई थी दोस्तों एक बहुत ही लंबे अरसे के बाद। तो ये किसने कामयाब किया मतलब रिशंग देवाड़िका ने, तो एज अ कैप्टन वो बहुत ही अच्छे तरीके से टीम को मैनेज किए हैं। तो पिछले साल रिशंग देवाड़िका की एक ओवरऑल ग्रोथ हुई है एज अ प्लेयर एज अ कैप्टन, हर तरफ से उनकी एक ग्रोथ हुई है दोस्तों। तो अब हम बात कर लेंगे उनके सीजन 5 के परफॉर्मेंस के बारे में। तो उन्होंने कुल 21 मैचेस खेले हैं जहां उन्होंने 305 टोटल रेड्स किए हैं, 165 टोटल रेड पॉइंट्स रहे हैं उनके और उनके सक्सेसफुल रेड्स है 126, अनसक्सेसफुल रेड्स है 74 और एम्प्टी रेड्स उन्होंने किए हैं 105। तो
दोस्तों मोनोगोइड को इस लिस्ट में शामिल करने के कुल तीन रीजन से, पहला रीजन क्या प्लेयर है दोस्तों, अगर किसी टीम में प्रदीप के रहते हुए भी आप चमक जाओ तो आप खास हो। प्रदीप नरवाल के रहते हुए भी मोनोगोइड ने अपनी छाप छोड़ी, खुद को उभारा, खुद को लोगों के सामने दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो मोनोगोइड तो स्पेशल है ही। रीजन नंबर दो, सपोर्ट रेडर से एक मेन रेडर में आने के लिए इन्होंने जो हाई जंप लगाई वो काबिले तारीफ है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही बढ़िया एक सफर इन्होंने तय किया था एक सपोर्ट रेडर से मेन रेडर तक होने के लिए। और जो हाई जंप लगाई, मतलब एकदम से जो निकल के आए दोस्तों, वो बहुत ही बढ़िया एक निकल के आए और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आप को उन्होंने प्रदर्शित किया है दोस्तों। रीजन नंबर थ्री है दोस्तों, कोई भी टीम ऐसे आसानी से नहीं जाने देंगी, मतलब जब भी ऑक्शन में बिडिंग होगी मोनोगोइड की तो हर एक टीम कुछ ना कुछ पैसा इस पे लगाएगी ही। तो इस तरह लगाते मोनोगोइड की जो प्राइस है वो बहुत ही हाई जा सकती है। ऐसा लग रहा है जैसे मोनोगोइड को सबसे ज्यादा पैसे से भी खरीदा जा सके पीकेएल 6 में। तो दोस्तों यार हर एक टीम इस पे पैसा लगाएगी, ये तो आप लिख के ले लो। तो दोस्तों रीजन नंबर फोर है कि पटना पायरेट्स मोनोगोइड को आरटीएम यूज नहीं कर सकते। अगर आरटीएम क्या है नहीं पता था, आई बटन पे क्लिक करके देख लो। तो दोस्तों आरटीएम यूज नहीं कर पाएगी मोनोगोइड के लिए। तो दोस्तों अगर आरटीएम यूज नहीं कर पाएगी तो ऑक्शन में उनको बिडिंग लगा के ही खरीदना पड़ेगा पटना पायरेट्स को, और पटना पायरेट्स नहीं चाहेगी कि मोनो जैसा रेडर उनके टीम से आउट हो जाए। तो जरूर बहुत ज्यादा पैसा लगा सकती है मोनोगोइड पे। अब हम बात करेंगे उनके सीजन 5 के परफॉर्मेंस के बारे में। तो उन्होंने कुल 26 मैचेस खेले हैं, 191 उनके रेड पॉइंट्स है, उन्होंने टोटल रेड्स किए 365, सक्सेसफुल रेड्स है 159, अनसक्सेसफुल रेड्स है 78, एम्प्टी रेड्स है 128। दोस्तों नंबर एक पे है राहुल चौधरी। हाँ दोस्तों नंबर एक पे है राहुल चौधरी। इस बार तेलुगु टाइटंस ने राहुल चौधरी को रिटेन नहीं किया है दोस्तों। तो रीजन नंबर वन है कि राहुल चौधरी पहली बार सीजन वन के बाद पहली बार ऑक्शन में है, और सारे के सारे जो भी ओनर से बहुत ही ज्यादा भूखे हैं इस शेयर को अपने टीम में लेने के लिए दोस्तों। तो राहुल चौधरी को अपने टीम में लेने के लिए सभी बहुत ज्यादा भूखे हैं और पहली बार सीजन वन के बाद ऑक्शन में है। रीजन नंबर दो है दोस्तों कि ये महान रेडर है, इन्होंने इतिहास तो रच ही लिया है पूरे प्रो कबड्डी के हिस्ट्री में। इनके सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स है, इनका कोई मुकाबला है ही नहीं दोस्तों, सभी को पता है। तो ऐसे महानतम रेडर को अपने टीम में कौन नहीं शामिल करना चाहेगा। रीजन नंबर थ्री है दोस्तों, पूरे कबड्डी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कबड्डी प्लेयर्स है उनमें से जो भी बोथ साइड के रेडर्स है उनमें सबसे बेहतरीन रेडर है राहुल चौधरी। और बोथ साइड रेडर अगर अच्छा हो जाए तो एक एडवांटेज ये है कि उसको स्टडी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। रीजन नंबर फोर ये है कि दोस्तों अकेले ही मैच जितवा सकता है, अकेले ही पूरे टीम के बराबर है। कभी कभार एकदम लास्ट 5, 6 या 4 मिनट या फिर 3 मिनट भी रह जाते हैं तो वो टीम को जिता सकती है किसी भी मोड से दोस्तों, किसी भी मोड से। तो राहुल चौधरी कभी भी मैच पलट सकता है। तो ये था रीजन नंबर फोर। अब हम बात कर लेंगे उनके सीजन 5 के परफॉर्मेंस के बारे में। तो उन्होंने कुल 22 मैचेस खेले, उन्होंने 412 टोटल रेड्स किए, 184 उनके रेड पॉइंट्स है, सक्सेसफुल रेड्स 159, अनसक्सेसफुल रेड्स 78 और एम्प्टी रेड्स उनके है 175। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और जरूर कबड्डी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए मेहमान हो, और प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। दोस्तों इस तरह के वीडियोस मैंने और भी बनाए हैं, तो आई बटन पर क्लिक करके प्रो कबड्डी बोल के एक प्लेलिस्ट है, उसके सारे वीडियोस देख लीजिए, आपको प्रो कबड्डी रिलेटेड हर एक अपडेट मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ।